हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू इट्स क्लासेस। ये सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 2 की, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। तो जस्ट इन केस अगर ये टॉपिक आपको स्कूल में नहीं समझ में आया है, ये आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो चलिए मिलकर रिवाइज करते हैं। हाँ जी बेटा, तो फटाफट से बुक में ढूंढ लीजिए टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, चैप्टर नंबर 2। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग से। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स आपको इजीली स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाते हैं और ये जनरल पब्लिक में ट्रेड किए जाते हैं। और प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलेंगे और ये पब्लिकली ट्रेड नहीं किए जाते। इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो देखो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, एंड और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो देखो, पब्लिक कंपनी में बेटा एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो देखो, पब्लिक कंपनीज के जो शेयर्स हैं ना, वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ये ओपन मार्केट में मिल जाते हैं। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और जब चाहे वो बेच सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलते। इसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो देखो, पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है, इट में इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। तो देखो, पब्लिक कंपनीज जो है जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती हैं अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनीज तो कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती अपने शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो बेटा देखो, पब्लिक कंपनीज जो है ना, वो प्रोस्पेक्टस प्रिंट करती हैं, जनरल पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है और जस्ट इन केस अगर वो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन उसको अच्छी लगती है तो वो शेयर्स खरीद लेती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज अपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। स्टार्टिंग अ बिजनेस की बात करें तो देखो, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बेटा देखो, पब्लिक कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते समय आपको एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं एक ही रेजोल्यूशन के थ्रू। स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो देखो बेटा, पब्लिक कंपनी को जितनी भी मीटिंग्स वो करती हैं उस मीटिंग्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने कंपलसरी होते हैं और मीटिंग्स करनी भी कंपलसरी होती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए ये एक ऑप्शनल है, वो करना चाहें तो करें, अदरवाइज नहीं भी करें। इसके बाद यूज़ ऑफ सफिक्स की बात करें तो बेटा देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है। डिस्क्लोजिंग रिपोर्ट टू द पब्लिक। तो देखो, प्राइवेट कंपनीज़ को ना अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करने कोई कंपलसरी नहीं होते। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उनको अपनी पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जनरल पब्लिक को शोकेस करना ज़रूरी होता है, तो ये क्वार्टरली इनको शोकेस करती हैं, यानी पब्लिश कर देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। तो देखो, यहाँ पर वो पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2, वाइल फॉर पब्लिक कंपनी इट इज 7। अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन पब्लिक कंपनीज को प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो देखो, पब्लिक कंपनीज को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना ज़रूरी होता है, बट प्राइवेट कंपनीज को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना कंपलसरी नहीं होता। अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट अ बिजनेस एज सून एज रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जबकि पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दोनों ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अ प्राइवेट कंपनी नीड्स टू हैव 2 डायरेक्टर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, अभी हमने डिस्कस किया था। अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। देखो बेटा, प्राइवेट कंपनीज को अपने मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता, बट पब्लिक कंपनी को अपने इंडेक्स को मेंटेन करना कंपलसरी होता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्राइवेट कंपनी। देखो, प्राइवेट कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को कितना लोन दे रही हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं, ये उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर्स को कोई लोन देती है तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। ये है प्रिविलेजेस प्राइवेट कंपनीज ओवर पब्लिक कंपनी। अब थर्ड टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज 1% कंपनी। तो 1% कंपनी क्या है? 1% कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन एज ए मेंबर है ना।
इस तरह के बिजनेस को बेसिकली फॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, साथ साथ माइक्रो बिजनेसेस को भी प्रमोट किया जा सके। ये हमारे सामने सबसे पहले कब आया था, तो देखिए यहाँ लिखा है द जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005। ठीक है, अब ये जो वन पर्सन कंपनी है ये किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह परपेचुअल सक्सेशन को इन्जॉय करते हैं, ये लोग साथ साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी को भी इन्जॉय करते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी को भी इन्जॉय करते हैं। यानी वन पर्सन कंपनी के साथ होते हुए भी ये वन पर्सन कंपनी तो है लेकिन साथ में ये परपेचुअल सक्सेशन को भी इन्जॉय कर रहे हैं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी को भी इन्जॉय कर रहे हैं और साथ साथ इन लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। अब इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, वन पर्सन कंपनी में, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन पर्सन कंपनी की, तो यहाँ पर जो एक पर्सन है जो मेंबर है इस कंपनी का वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन है। ठीक है, अब रेजिडेंट का मतलब क्या है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है अ पर्सन हु है स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नेट नॉट लेस देन 182 डेज। अगर कोई 182 डेज से कम रहा है कंट्री के अंदर तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया का, तो वो रेजिडेंट ऑफ कंट्री या इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वन पर्सन कंपनी डिफर फ्रॉम अदर बिजनेस इज दैट द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी मस्ट अपॉइंट। देखो एक सोल प्रोपराइटर को ना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक नॉमिनी को अपॉइंट करे या ना करे, लेकिन वन पर्सन कंपनी को एक नॉमिनी को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। ये जो नॉमिनी है ये माइनर नहीं होने चाहिए और किसी दूसरी वन पर्सन कंपनी के नॉमिनी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 द एक्ट ऑफ वन पर्सन कैन बी इनकॉर्पोरेट, मतलब देखो एक वन पर्सन कंपनी जो है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनीज में अपने मन से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। वन पर्सन कंपनी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में नहीं जा सकती, और वन पर्सन कंपनी को अगर किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में चेंज होना है तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यह है कि जो इनका एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड ना हो, और जो इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से एक्सीड ना हो। ठीक है, और साथ में 7th पॉइंट है द वन पर्सन कंपनी शेल मैंशन इन द ब्रैकेट, अगर कोई भी वन पर्सन कंपनी है तो उनको ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, हाँ जी, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। स्टिल अगर आपके कोई डाउट हैं तो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो गिव मी अ थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।